Hi guys, welcome to another fresh episode of Tech with TG. I mean, this is that one show जहां पे हम बात करते हैं technology के बारे में काफी एक अलग perspective रखते हुए। इसी today what we have around us is like mostly smartphones, tablets, laptops, smart watches, earphones, you know, EVs. But अगर हम बात करें tech space की, so the world is very dynamic.

अगर हम बात करते हैं न, तो कैमराज रियली हाई एंड मतलब हम धरती में बैठे बैठे जूम करके चांद को देख लेते हैं जस्ट फॉर अ फोटो तो आपको चाहिए द टेक्नोलॉजी थ्रू दैट सी इनसाइड अर बॉडीज विदाउट एनी पेनिट्रेशन एंड यहां पर इन द मेडिकल वर्ल्ड वी हैव सम अमेजिंग टेक्नोलॉजीज टू बिगेन विद वट आई टॉक अबाउट इज एक्स रेव यू थॉट कि ऐसा क्या होता है कि आपके घुटने का या कोहनी का या कंधे का यू नो एनी बॉडी पार्ट द मोमेंट यू गैट एन एक्सरे डन इंस्टेंटली आपको एक शीट के ऊपर अंदर का पूरा स्ट्रक्चर क्या है यू नो हाउ इज द अलाइनमेंट फॉर द बोन एंड एवरी गोइंग ऑन वो दिखाई दे जाता है आई मीन वॉट इज द साइंस बिहाइंड इट ओके सो जस्ट टू बिगिन विद सबसे पहले लेटमी टेल यू वॉट एक्जैक्टली इज एक्स रे सो एक्स रे इज अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जस्ट लाइक आप नो देखते हैं विजिबल लाइट विच इज ऑल अराउंड अस या अगर हम बात करते हैं यूवी वी रेज रेडियोवेवस माइक्रोवेवस अल्ट्रा वोलेट इंफ्रा रेड यू नो लाइक एवरीथिंग

एंड uh, कहीं पे ये पूरा पास कर जाएगी बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी दू नो थ्रू सॉफ्ट एंड जहां पे दनी ऑब्सन लाइक अ बोन लेट से तो वहां पे इट गेट्स एब्सॉर्ब अब उसके बाद क्या होता है इज अगेन वेरी मैजिकल इज जब ये पूरा प्रोसेस चल रहा होता है यू नो ऑफ गेटिंग दिस एक्सडे डन वन इंपॉर्टेंट फैक्टर इज द पोजिशनिंग ऑफ द पेशेंट

इमेज प्रोसेसर होता यह है कि इट्स नो गेटिंग एडजस्टेड इन मैटर ऑफ़ सेकेंड की डॉक्टर को एनालाइज करके क्लियरली देख सकते हैं कि व्हाट्स गोइंग ऑन इनसाइड द बॉडी एंड दिस एंटायर प्रोसेस ऑफ गेटिंग दिस एक्सरे डन इज वेरी फास्ट बिकॉज ऑल यू नीड इज जस्ट अ पेशेंट ऑन अ टेबल आपको एक्सरे मशीन को ऑन करना है बीम जाएगा डायरेक्टर के ऊपर स्कैन हो जाएगा एंड इमेज प्रोसेसिंग के थ्रू आपको आउटपुट मिल जाएगा इनफैक्ट इट्स अगेन वेरी एसेंशियल समटाइम्स टू डिटेक्ट लंग इन्फेक्शन जो कि बहुत आसानी से एक्सरे के थ्रू हम पता लगा सकते हैं इसके अलावा आपने नो you know, देखा होगा वैल ट्रैवलिंग दैट एक्सरे बॉडी स्कैन आर वेरी कॉमन सेम थिंग गोज विद लगेज क्योंकि द वे द बैग्स आर स्कैंड वहां पर भी द मशीन दे आर सुपर एडवांस उनको

just keeping it very simple. That technology essentially is of an X-ray, but what we get on the other side as an output is a cross-sectional image of, you know, our human body parts with super detailed kind of, you know, uh, stuff where very easy analysis hai for, you know, doctors and, you know, professionals to see that what's going on. And it's very important sometimes to detect any disease or uh, maybe kind of, you know, the, the health of any organ and CT scan is kind of uh, नेक्स्ट लेवल सिंपली नॉट लाइक यू नो ओके टू यूज तो वहां पे आप एक लेवल ऊपर जाते हो फॉर सी टी स्कैन तो यहां पर स्टफ इज रियली नेक्स्ट लेवल बट देन अगेन द क्वेश्चन इज कि आखिर ये होता कैसे है

without any invasion without any cut without any opening right from the outside you know that's the beauty of technologies like x rays and ct scan ki uh, like the patient uh, does not need to worry about anything going in the body up Bahar se hi but all thanks to you know all these technologies going on, the super high end algorithms for the reconstruction, what we have is a really high-end detailed image of the human body and the composition inside. But guys, let me tell you, these are just the initial things. I mean, the tech is evolving really fast, and right after the break, I'm gonna talk about some more high-end imaging technologies that are being used right now in the field of medical sciences everything coming your way right after this short break hello guys welcome back after the break to your favorite show about technology tech with tg only on the nadi network and in this episode may hum

मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग अभी देखते हैं कि आखिर एम कैसे काम करता है नो बिफोर वी टॉक अबाउट एम आर आई नो एंड आई एक्सप्लेन अबाउट कि एम आर आई क्या है और कैसे काम करता है आपने एक पैटर्न देखा है आई मीन ऑन अ बेसिक लेवल वी हैव एक्सरे एक लेवल अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो वी हैव सी टी स्कैन बट देन एम आर आई इज काइंड ऑफ अनदर नेक्स्ट लेवल ऑफ इमेजिंग नो फॉर द बॉडी जहाँ पे अगेन इट्स नॉन इन्वेजिव मीन्स कि कोई कट नहीं है या दर इज नथिंग नो गोइंग इनसाइड द बॉडी एट द सेम टाइम वॉट यू गेट इज एन आउटपुट फॉर दैट एम आर आई इज एसेंशली अ वेरी यू नो हाई एंड डिटेल्ड इमेज कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्ट्रक्चर लेट से ब्रेन ऑफ दर आई है आखिर चल क्या रहा है एंड टू अंडरस्टैंड ऑफ एम आर आई सी एज द नेम्स इज मैग्नेटिक रेजुनेस इमेजिंग इसका मतलब इसमें कुछ मैग्नेट्स का रोल होगा अबाउट रेजुनेस टिंग सबसे पहले इसको जानने के लिए वी नीड टू टॉक अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड एज विद एवरी थिंग अराउंड जो भी चीजें आपके चारों तरफ है आप खुद आपके कपड़े या आपका फोन या आपका टीवी जहां भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं एवरी थिंग अराउंड ऑल द एलिमेंट्स एवरी थिंग इट्स मेड अप ऑफ एटम्स तो हमारी बॉडी जो है वो भी एटम्स से बनी है ना एसेंशियली एक ऐटम में क्या होता है वी हैव नो द न्यूक्लियस इन द सेंटर कंटेनिंग द प्रोटॉन एंड द न्यूट्रॉन एंड उस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं नेम मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग हमको पता है कि मैग्नेट्स का तो यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग रोल होगा इन यू नो इफ यू हैव सीन एनी एम आर आई मशीन इन पर्सन या एज यू कैन सी इन दिस इमेज इट्स अज सेटअप जहां पर एक बहुत ही चोटा सा सेक्शन होता है लाइक अ टनल फॉर द पेशेंट टू नो बी इनसाइड दैट मशीन एंड चारों तरफ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैगनेटिक फील्ड होता है फॉर दिस एम आर आई टू फंक्शन और यही वो रीजन है छोटी मतलब अंगूठी पहनी है या हाथ में कड़ा है मेबी पीस ऑफ ज्वेलरी नेक वो अलाउ नहीं करते हैं एवरीथिंग हैजू बी टेकन आउट देन ओनली द पेशेंट इज अलाउड टू गो इन साइड द मशीन अब होता क्या है द वे नो दिस से

इंस्टेंटली इन बिटवीन वॉट वी हैव इज अ पल्स ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी अब जब ये रेडियो फ्रीक्वेंसी जाके हिट करता है उस न्यूक्लियाई पे इट कैन ऑफ गेट्स एक्साइटेड एंड उस तरीके से ये अपने अलाइनमेंट से थोड़ा सा बाहर हो जाता है

शोइंग आउटपुट कि कॉम्पोजिशन जो है अंदर या द वे दिंग्स आर हाउ एग्जैक्टली इज द कंप्लीट सेटअप दिस इज असेंशियली द कोर ऑफ एम आर आई

अब आपके दिमाग में अक्सर ये सवाल आया होगा इफ यू यूर कैन ऑफ नो यू एन रिस ऑन योर या फिर अगर आपने किसी की एम होते हुए देखा है दैट बहुत ज्यादा शोर होता है नो इज ऑफ लाउड नॉकिंग साउंड ऐसे बहुत ज्यादा आपको डिस्टर्बेंस फील होता है वो आवाजें कहां से आती है ऑल दीज साउंड आर बिकॉज ऑफ अ रिजल्ट फॉर द चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज हम बॉडी में एक बहुत ही डिटेल्ड थ्री डी आउटपुट अचीव करना चाहते हैं एंड इट इज डन कैन ऑफ नो लेअर तो आपको अलग अलग लेवल्स पर पूरा एक अगर कॉन्फिग्रेशन चाहिए इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ यू नो अटेंशन टू डिटेल इन अ वे जस्ट टू अचीव आपको देखने के लिए बी नो कि यहाँ पे कैसा है देन वॉट अबाउट सेंटीमीटर इनसाइड या और अंदर या और अलग एंगल से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको जो कम्प्लीट उसका ग्रेडिएट है चेंज करने के लिए

सेटअप जहां पे वेरी इजी टू सी कि अंदर किसी भी ऑर्गन के साथ में वर्ड्स गोइंग ऑन हाउ एग्जैक्टली इज द बॉडी सेक्शन ब्रेन के नो डिटेल्ड इनसाइट अबाउट द ब्रेन फॉर डॉक्टर्स टू एनालाइज एंड सी कि कैसा पूरा अंदर सिस्टम है सेम थिंग फॉर द स्पाइन लेट से सो एम आर आई इज नो राइट ऑन टॉप इफ यू टॉक अबाउट कॉमन मेडिकल इमेजिंग प्रोसेसिस लेकिन इतना ही नहीं इसके अलावा

एंड अगर आपके दिमाग में कोई भी आइडिया है इफ यू हैव एनी सजेशन एनी फीडबैक एनी क्वेरी फॉर एग्जाम्पल यू नो द एड्रेस इट्स टी जी एट द रेट एन डी टी वी डॉट कॉम आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू आई मैं जो भी आपके मन में सवाल सुझाव फीडबैक है या क्यूरियोसिटी है आई एल ब्रिंग इट टू यू ऑन योर फेवरेट शो टेक विद टी जी बिकाइज दैट्स ऑल फॉर दिस वीक्स टेक विद टी जी आई एम गोना सी यू नेक्स्ट वीक विद सम अमेजिंग टेक्सट अभी के लिए इतना ही हैव अ गुड डे